Hey guys, welcome back the Daisy Beach में आप सभी का फिर से वेलकम। और दोस्तों हमारे द डेजी बीच के जो पोलर पैरट्स के बेबीज है बहुत सारे भाई मुझे कहते कि भाई इनका आप अपडेट देते जाओ यार हर रोज। तो यार देखो यार कितने बड़े बड़े हो गए यार हमारे द डेजी बीच के पोलर पैरट्स के बेबी जी। यार देखो ये कितने सारे भी यार, ठीक है, मतलब मैं अभी यही पे रहने देना चाहता हूँ इनको, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई इनको आप वहाँ पे शिफ्ट ना करो या इनको आप टैंक में ही रहने दो, ठीक है। तो भाई मैं इनको यहीं पे रहने दूंगा क्योंकि बहुत सारे भाइयों को देखना है भाई ये कैसे जल्दी 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 बड़े बड़े होते जाते हैं, तो इसकी वजह से भाई मैं इनको यहीं पे रहने देने वाला हूँ। और दोस्तों देखो यार कितने सारे हमारे बॉलर, और इधर वाले जो पेयर है भाई इसके भी इतने ही साइज़ के हुए, मतलब यार सेम साइज़ के हमारे पास अभी ना 400 से लगभग, हाँ शायद 400 हमारे पास बेबीज होंगे। मैंने तो इनको काउंट नहीं किया बट ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, हम जरूर इनको काउंट करेंगे, ठीक है। और भाई मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं भाई इनका आप क्या करोगे इतने सारे बेबीज का, तो हम क्यों ना यार गिव अवे कर दें, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह भी रहे थे कि आप ना यार गिव अवे वगैरह रख दो, नहीं तो हम इनको ना पेट शॉप में वगैरह कहीं सेल वगैरह कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पूरा प्रोसेस बताना चाहता हूँ यार कि भाई इन फिशेज का क्या किया जाता है, कलर फिशेज का कैसे इनकी मार्केटिंग वगैरह होती है, तो भाई हम इनका सब डिस्कस करेंगे। अभी नहीं यार, अभी तो छोटे बच्चे यार इनको नहीं दे सकते अपन। और यहाँ पे हमारा एक पेयर है, और ये जो एक पेयर है तो यार ये मेरा एक दोस्त मांग रहा था, मतलब यार उसकी और मेरे डील चल रही है यार इसको देने की, मतलब वो मुझे टर्टल देने वाला है, क्योंकि भाई बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं यार आपके सेटअप में टर्टल्स वगैरह ऐड करो। तो भाई बहुत जल्द हम वो भी टैंक बनाएंगे, बट यार हमारे फिश रूम का बहुत ज़्यादा अभी मेंटेनेंस भी पड़ा है, तो इसकी वजह से यार थोड़ा काम रुका हुआ है। और आपको पता है यार मैं थोड़ा बिजी था कल तो यार आपने बॉब की डेथ हो गई यार, वो तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि यार हमारे सेटअप में मतलब एक अलग ही माहौल हो गया है शांति का, क्योंकि यार हमारा जो बॉब था ना उसकी डेथ हो गई, आपको पता है यार कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा। और क्या बताऊँ यार मेरे साथ तो 12 से 13 महीने से साथ में था यार, एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है यार अपने पेट्स का, ठीक है। अभी ठीक है यार उसकी जगह पर अभी ये है भाई, हम इसका ही नाम अभी बॉब रख देंगे, क्योंकि वो तो नहीं रहा यार, तो भाई यही आज से हमारा भी बॉब होगा, इसकी हमें अच्छे से केयर वगैरह करनी होगी यार, ठीक है। तो इसको भाई मैं सोच रहा था कि भाई हमारे मॉन्स्टर टैंक में इसको शिफ्ट कर दे हमारे बॉब को, क्योंकि ये शांत था, ये जो बॉब था ना हमारा ज़्यादा एग्रेसिव था, तो ये हमारे बड़े बड़े शार्क ने इनको परेशान करता था, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारा भी सेकेंड वाला जो बॉब है ना हम इनको इसको यहीं पे शिफ्ट कर दे। और मुझे आप ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई इसका नाम मैंने अभी बॉब रखा है तो अच्छा है या नहीं, नहीं तो आप ही मुझे कमेंट्स कर दो भाई इसका नाम चेंज करना, तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। से अहम बात कि हमारे द डेजी फिश में फिर से एक न्यू सरप्राइज आया है भाई, न्यू सरप्राइज क्या है आपको बता दो यार, ये है भाई न्यू सरप्राइज, यहाँ पे ब्रीडिंग साइज के हमें गुरामी फिश मिले हैं, जो कि मेरे हमारे ही कॉलोनी के एक अंकल है उन्होंने मुझे दिए हैं। तो अंकल बोले कि भाई आपके पास ही रहने दो, आप ब्रीड वगैरह करो, तो भाई ठीक है मैं अभी इनको हमारे जो ये मॉन्स्टर टैंक है मैं इनको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी बॉब तो हम यहाँ पे शिफ्ट तो अभी नहीं करेंगे यार, अभी तो थोड़े दिन हम इनको ऐसे रहने देंगे, क्योंकि यार अभी हमें अलग काम करना है। आपको पता है मैं गप्पी प्रोजेक्ट के इसमें थोड़ा बिजी हूँ, जो कि हमारे साइड वाले जो मेरे जो डेली लॉग देखते होंगे उनको पता होगा भाई साइड में क्या हमारा प्लानिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है। बोलता था कि भाई हमें वहाँ पे गप्पी प्रोजेक्ट वगैरह करना है, मतलब हमारे जो एग्जॉटिक अलग अलग ऑर्नामेंटल जो गप्पी भी शाती है भाई जो बहुत ही रेयर होती है उनकी हमें वहाँ पे ब्रीड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसकी वजह से अभी हम फिश रूम का तो अभी नहीं कर सकते यार, अभी तुरंत नहीं कर सकते यार, एक दो दिन इनको थोड़ा लेट हो जाएगा, पर मैं दिन रात करके इनको भाई कर दूंगा जल्दी से, क्योंकि सबसे पहले हमें मॉन्स्टर टैंक भाई बनाना है, बहुत सारे भाइयों को देखना है कि हमारा द डेजी फिश का मॉन्स्टर टैंक। और अभी ये जो हमारा गिफ्ट आया हुआ है इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी छोड़ देता हूँ। भाई इधर आना, ये भाई हमारे गनी भाई, आपको पता है यार ये कबूतर एक्सपर्ट है, तो ठीक है इनको उठाओ ना भाई, एक मिनट यार, नहीं इसको क्या करते हैं ना अपन इसमें डालना है ना, तो एक एक पकड़ते, तो एक मिनट उठा इसे। और यार ये गिफ्ट तो मैंने देखा ही नहीं यार, यहाँ पे भी एक गिफ्ट आया हुआ है, एक मिनट आपको मैं दिखा, तो यहाँ पे टैंक इनका जो टैंक रहेगा ये रहेगा, क्योंकि और एक पेयर हमें गप्पी फिश का मिला है जो कि बहुत ही खूबसूरत है यार, मुझे अंकल नहीं दिए यार, उठाना, नहीं जाली ने मैं हाथ से पकड़ दूँ ना इनको, बहुत ज़्यादा जुगाड़ करके दिया है भाई अंकल का बड़ा टैंक है यार, अंकल बोले कि आप लेके जाओ, क्योंकि अंकल भी जा रहे थे गांव को, अंकल बोले कि आप ब्रीड कर लेना यार गुरामी की, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत बड़ी साइज़ होगी यार, यार नहीं आ रही यार इसके नेटी लगेगी। ये देख सकते हो भाई, ये है भाई हमारी फीमेल जो कि बहुत बड़े साइज़ की यार है, ये देखो
मतलब ये हमारे टैंक का और उनके ये जो टेम्परेचर ना भाई सेम है, क्योंकि मैंने पहले मैच कर लिया है, ठीक है, नहीं तो आप सीधा ना डालो यार, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बहुत अलग अलग होता है, तो इसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा फिशेज की डेथ भी होती है। ये भाई इसमें तो एक शकर फिश भी यार है, क्यूट वाला, तो अभी एक बड़ा स्नेल भी, हो भाई कितना बड़ा स्नेल यार ये, ओए, तो इसे भी हम डाल देते हैं यहीं पे। और है क्या? ओ भाई और दो फीमेल है यार, दोनों के दोनों फीमेल है, टाइगर गोरा में है शायद से। वाओ ये देखो, ये भी है भाई फीमेल, अभी थोड़ी बहुत लोडेड है, बट हम इनको कर देंगे लोडेड जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई भी कहते कि भाई आप गोरा में फिश की ब्रीड करो, तो भाई हम इनकी भी ब्रीड ट्राई करेंगे, मैंने तो कभी की नहीं है इनकी ब्रीड, पर ज़रूर ट्राई करेंगे। ये हमारी जायंट गुरामी, और जायंट गुरामी के साथ भाई हमारी जो नॉर्मल रेगुलर गुरामी होती है वो है उनके साथ में, तो अभी पहले से तो है ही भाई हमारे एक दो गुरामी थी पहले वाली, बट देखते यार ये रहती या नहीं। ये है भाई क्यूट वाले हमारे गप्पी फिश, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है भाई हमारे क्यूट वाले न्यू मेहमान, जो कि मुझे अंकल ने ही दिए, बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, एक पेयर है, शायद से ये फीमेल है ना थोड़ी डैमेज है यार, मतलब इसके जो आँख है ना, आँख के ऊपर थोड़ा रेड रेड दिख रहा है मुझे, बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, ठीक है ना, क्यूट है ना भाई ये। तो इनको यार खाना देना यार हमें, चलो इनको भी खाना देते हैं हमारे क्वालिटी वाले गप्पीज को, जो कि हमने इनका नाम बटरफ्लाई गप्पीज ग्रुप रखा है, हमारे द डेजी फिश के बटरफ्लाईज गप्पीज है, और ऊपर जो है हमारे वो टक्सेडो गप्पीज है, देखा कितने क्यूट है, अभी सब मेरे हाथ में आ जाएंगे। हे बड़ी सा लो, ए बड़ी, ये लो जी, बहुत ज्यादा लोडेड है भाई ये फीमेल, देखो यार कितनी ज्यादा लोडेड है वो, चलो भाई मैं अभी इनको फीड कर दे। तो मुझे काफ़ी सारे भाई कहते कि भाई आप है ना कम फीड दिया करो, तो ठीक है यार मैंने अभी कम ही फीड कर मैं तीन टाइम देता हूँ, अगर आपको पता ही होगा, सबको दे देता हूँ यार, इसे इतना काफ़ी हुआ ना, इधर तो नहीं डालेंगे यार, इधर तो मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया था, इधर हमारी फ्लोरों को थोड़ा दे दिया और ये वाली फ्लोरों को दे दिया, क्योंकि अभी इसे हेड भी आने लगा है देखो यार, तो इनके लिए भी बल जल्दी जल्दी। और यहाँ पे है भाई हमारी फाइटर फिश की क्यूट क्यूट फीमेल, इनके लिए यार हमें ना मेल ही नहीं अवेलेबल हो रहे, इतना बार जुआ ना यार इनके लिए, ओके, कितनी क्यूट है यार ये, इनका कलर यार बहुत ज़्यादा डार्क है, कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट असल में बहुत ज़्यादा डार्क कलर है इनका। अभी हमारी प्यारी सी गप्पी फिश को ऑप्टिमम दे देते हैं, तो लो जी इन्जॉय करो। और यहाँ पे देखो यार बेबीज कितने अभी बड़े बड़े होने लगे इनके, भाई कितने सारे बेबीज़ हैं यार इनके, मतलब 30 से 15 बेबीज़ हो गए यार, ठीक है, ये हमारे होम ब्रीडी बेबीज़ है और यहीं पे बड़े हो रहे हैं हमारे टैंक में। ये देखो यार कितना क्यूट है, देखो ये पूरे उनके मम्मी पापा जैसा ही है, देखो इनके इनके जैसे आएंगे ये। और हमारे जो ब्लैक कलर के जो गोल्ड है, अभी ये भी थोड़े कम्फर्टेबल हो गए, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि भी आप है ना आपके ब्लैक जो गोल्ड है उनके यहाँ पे ना रॉक सॉल्ट वगैरह ऐड कर दो, एक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा, तो ठीक है यार दोनों के दोनों अभी एक्टिव भी हो गई, और पोलर पैरेट्स को रह गया, मैंने इनको मॉर्निंग में दिया था, बट और एक डोज इनको दे देता हूँ, इनको भी दे देता हूँ, और मॉन्स्टर टैंक में भी दे देते हैं, चलो मॉन्स्टर टैंक में बहुत शौकीन से खाते भी ऑप्टिमम। और दोस्तों मुझे आप लोग ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई हमें यहाँ पे सेटअप कैसा करना है, मतलब यार सेटअप कैसा, मतलब आप बताना यार कि मैं यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, कौन से स्टोन वगैरह ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और कौन से फिशेस हमें यहाँ पे मॉन्स्टर फिश वगैरह रखने, तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पे सजेस्ट करना, तो भाई मैं वही सेटअप करूँगा, आप मुझे जो बोलोगे हम वो करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्लैक सैंड वगैरह ऐड करने लगे, व्हाइट ब्लैक तो कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, और जो बैकग्राउंड वाला जो कलर है ना भाई वो भी हमें चेंज करना, इतना अच्छा नहीं लगता व्हाइट वाला मुझे तो स्पेशल, इतना अच्छा नहीं लगता, बट देखेंगे और उसे कोई मैच करके सैंड वगैरह डाल देंगे तो अच्छा लगेगा यार, क्या पता, बट आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई यहाँ पे हमें क्या क्या, कौन सी फिश वगैरह, कौन सी एसेसरीज वगैरह ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो टमाटर है ना यार हमारे हैमस्टर को, सॉरी गिनी पिग्स को देने, यार हैमस्टर लाने हो गए, मैं ना बार बार कहता हूँ यार इनको, जब खाना देने आता हूँ ना तो बार बार इनको कहता हूँ कि यार हमारे हैमस्टर हैमस्टर आ जाता है यार मेरे मुँह में, बहुत जल्दी हम हमारे सेटअप में हैमस्टर भी ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करने कब के पड़े यार टैंक, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा यार पसंदीदा कलर,
तो चलो भाई इनको मैं टमाटर देता, क्योंकि ना आज हमारे जो अंकल थे ना यार, हमारे जो घास वाले अंकल है वो नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई मुझे नहीं पता, क्यों बारिश चल रही है यार इसकी वजह से नहीं आए होंगे। तो भाई आज हमें इनसे ही जुगाड़ करना होगा इनका। दो टमाटर इनको हो गए ना यार, बाद में दे देंगे यार दो फिर को और, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, इनका पानी वगैरह सब क्लियर है। बारिश बहुत चल रही है यार, बारिश चलने की वजह से ना यार कुछ मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आता यार सब काम में। भाई बारिश आ रही है यार यहाँ पे, शिट शिट शिट। इनको भी दे देता हूँ हमारे, हे गिनीत चलो, ये हमारे स्नो, चल स्नो चल खा ले। ओए मेरा हाथ मत खा यार, चल खा। ओए भाई तू ब्लैक उधर, भाई ये ब्लैक है ना काटती है भाई, हमें डर लगता है। खा लो खा लो, चलो खा लो खा लो, मैं बाद में आता हूँ अभी दो फेर को, ठीक है। अभी तो मॉर्निंग हुई यार, मॉर्निंग में बारिश चल रही है यार। इनका सब ठीक है। और हमारे जो लिली भाई देख लो भाई अंडों पे बैठी, मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई आप है ना लिली का अपडेट दो, तो ये देखो भाई हमारी लिली अंडों पे बैठी है और जल्दी ही ब्राउनी भी कुड़क हो जाएंगी। और हमारे पिजन भी सब ठीक ठाक है यार, इनको कोई दिक्कत नहीं है यार। बारिश हो रही है, चलो भाई बारिश हो रही है यार, भाई बाहर आते ही बारिश होना स्टार्ट। पर जो मॉली फिश है उनको अभी देख के आते हैं ऊपर क्या हाल है भाई। ऑप्टिमम मैंने कहाँ रख दिया, हाँ ओके ऊपर वाले फिशेस को भी दे देते हैं, चल जल्दी। चलो यार यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि है ना ये नेट लगी, तो नेट लगने की वजह से थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे कम आता है। चलो अभी इनको देते हैं यार फूड, ओके इतना काफी हो गया ना, खा लेंगे ये यार। हमारे जो मॉली फिश है ना भाई अभी एक भी नहीं मर रही यार, पहले ना यहाँ पे ना दिन में ना एक दो करके मर रही थी, क्योंकि यहाँ का जो पानी था ना भाई पूरा ख़राब हो गया था, मतलब है ना स्मेल आ रही थी यार इस पानी की। तो मैंने इसका पानी जब से चेंज किया ना भाई तब से हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और बाकी सब ठीक ठाक यार, कोई दिक्कत नहीं। भाई तू भी आ जाना ऊपर, ऐसा आज दो फूल आए यार, यार चार आओ ना यार, मेरा ड्रीम है यार चार, यहाँ पे चार फूल कितने खूबसूरत दिखेंगे यार। और दोस्तों यार शॉर्ट टेल के मेले से ऊपर क्यों आ रहे हैं, ये देखे ये वाला, वो देखो वो कोने वाला, ये सिर्फ मेल आ रहे हैं यार ऊपर, उसको हाथ लगा तो भग गया भग गया, कोई नहीं कोई नहीं। और यहाँ पे ना जो हमारी वाटर कैबेज है ना वो भी ठीक ठाक है यार, मतलब वो अभी ना फैलना स्टार्ट हो गई है। मुझे लगा था कि यार भाई ये नहीं बचेगी, बट ये स्टार्ट क्या हुआ है ना एक्टिव भाई, नहीं तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया यार फिर से, नहीं तो हमें देखना होगा यार। सब ठीक ठाक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, है? प्लांट्स वगैरह भी ठीक है ना। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, कल तो मैं बाइक लेने गया था, और नहीं परसों के दिन बाइक लेने गया था, तब उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पे, मुझे घर वाले बोले थे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। और हमारा जो रेस्क्यू किया हुआ पिजन है, मतलब ये मेरे दोस्त का ही भाई, ठीक है ये कौन सा दोस्त का अभी वो मैं उसको फ़ोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है। अरे मयूर को बुला लेते हैं ना, उसका दे देते हैं, कॉल करना तू इसको, बुला ले उसका जल्दी। हमारे इनको भी दे देते हैं, बारिश हो रही है यार, बारिश में तो शायद ऊपर नहीं आएंगे, बट ठीक है दे देते हैं। और डव्स भी ठीक है यार, यहाँ पे ना एक अच्छा फ़ायदा है यार, यहाँ पे बारिश भी होती है ना हमारे बर्ड सुरक्षित रहते हैं यहाँ पे, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो मुझे लगता था कि भाई यहाँ पे बारिश में पूरा भीग जाते होंगे, बट वैसा कुछ नहीं है। चलो खाना खा के यार, खाना खा के आ रहा है। अरे उसका जो पिजन है फिर नीचे ले लेना, ये उसका ही पिजन है। अच्छा हुआ यार हमने पकड़ लिया था, बहुत ये हो गया था, अच्छे से पकड़ा। मैंगो, मैंगो कहाँ गया, हाँ ये देखो मैंगो भाई तेरे लिए बहुत जल्दी फ्रेंड आने वाली है, बट यार सॉरी मैं नहीं जा सका क्योंकि यार बारिश चल रही है ना, मैं नहीं जा सकता यार, ठीक है। इन्हें कल या परसों बारिश नहीं होगी ना तब लेके आएंगे तेरे लिए फ्रेंड, ठीक है। डरने लगा यार मुझसे अभी, इनके लिए बहुत जल्दी हमें फीमेल लाना होगा। अकेले अकेले ना बोर हो चुके होंगे, आएगा भाई वो। तो यार ये ले भाई तेरा पिजन, ये ले तेरा पिजन, तेरा ही तो तुझे ही दूंगा ना मैं। एक मिनट, ये कहाँ है तेला, कितना डैमेज होऊन गेला है तो, डोरेमोन ने वाचवले भाई त्याला माहिती आहे का। फिर मग तू आता काय कर त्याला, चांगलं कर बरं का, मी त्याला हे गोळ्या वगैरे दिल्या, त्या टॅबलेट्स वगैरे, तुला टॅबलेट्स वगैरे दिल्या मी त्याला, हे बघ पूर्ण पूर्ण डॅमेज होऊन गेला तो, आता चांगली आहे कर त्याची ट्रीटमेंट। ठीक आहे फिर लेके जा अभी, और तेरा हर एक पिजन मेरे पास आ जाता है एक दो दिन। अरे ते लाल पर आले लेगा, नहीं लाल नहीं बघितलं मी, नाही नवीन कोणतंच नाही माझ्याकडे आता। अरे काल आले ना भाई, वाईट समोर काल उतरलं भाई, उतरलं माहित नाही, मी आताच वरून आलो, आताच मी आलो वरून।